हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उड़ीसा के बालामोर में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने कैंडल जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा संयोजक विशाल शर्मा ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि संसार में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, जन्म और मरण ईश्वर की ही देन है तथा रेल हादसे के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानाचार्य नन्हे सिंह ने भी मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सभा में उपासना गुप्ता, शुभांगी, नेहा गुप्ता, पीयूष भारद्वाज, कनक, मयंक, मानव, सरिता, शार्दुल सहित समस्त विद्यार्थी एवं स्टाफ मौजूद रहा। आज हमारे विद्यालय में विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा जो अभी ये हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा जो हुआ है, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। विद्यालय परिवार इस हादसे की जो है कड़ी निंदा करता है और इस घटना के प्रति अपना शोक भी व्यक्त करता है। विद्यालय परिवार की संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ सदैव रहेंगी। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस हादसे में लोग घायल हुए हैं या जो भी लोग मृतक हैं इसमें, उनके परिवार वालों को जो है ईश्वर जो है मतलब इस दुख को जो है इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ करे। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि जो है सभी लोगों को स्वस्थ रखे, इस प्रकार के हादसे भविष्य में ना हो। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब इस प्रकार के जब ये ट्रेन संचालित होती हैं तो इतनी बड़ी दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। और वहाँ के लोगों को भी, असम में जो हादसा हुआ है, वहाँ के लोगों ने जिस प्रकार घायलों की जो है मदद की है वो भी अत्यंत सराहनीय कार्य है। हम लोग उसकी भी जो है भूरी भूरी प्रशंसा